देर लगती है मगर समझ आ जाता है, कौन कैसा है नजर आ जाता है। जिंदगी में तो समस्या हर दिन नई खड़ी है, और इसमें वही लोग जीतते हैं जिनकी सोच बड़ी है। कुछ लोग खोने को प्यार कहते हैं तो कुछ लोग पाने को प्यार कहते हैं, और हम सच्चे दिल से निभाने को प्यार कहते हैं। बिना मतलब यहाँ कोई नहीं रोता, दर्द जब गहरा हो आंसू तभी गिरते हैं। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार चरित्र और सम्मान की हो। किसी का साथ अगर जिंदगी भर चाहते हो तो उसे ये कभी मत बताना कि तुम उसे कितना चाहते हो। ऐ खुदा, मुझे किसी के दिल पर बोझ मत बनने देना, जो मुझसे दूर होना चाहे मुझे उससे पहले ही दूर कर देना। मंजिल आसान हो जाती है जब कोई अपना अपनेपन से कहता है तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे ये सोचने में कभी बर्बाद मत करना। जब किसी को खोने की नौबत आती है तब उसे पाने की कीमत समझ आती है। जो गिर कर संभल जाता है असल में वो जिंदगी को समझ जाता है। छोड़ दी हमने हमेशा के लिए उसकी आरजू करना, जिसे मोहब्बत की कदर न हो उसे दुआओं में क्या मांगना। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो, यदि वो इंसान जरूरी है तो उस बात को भूल जाओ, और अगर बात जरूरी है तो उस इंसान को भूल जाओ। धोखा साथ चलने वाले ही देते हैं, ये कल भी सच था और आज भी सच है। वो लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज्यादा वक्त और इज्जत देने लगते हैं। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर हम उन्हें न छोड़ें तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़ते। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोई महत्व नहीं है। मोहब्बत में शर्त नहीं होती जनाब, ये वो गुनाह है जो बेशर्त किया जाता है। तू गुजर जाए करीब से, वो भी मुलाकात से कम नहीं है। कौन क्यों गया ये जरूरी नहीं, क्या सिखा कर गया ये जरूरी है। कभी किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि ये दुनिया उतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रखे। कुछ दर्द ऐसे होते हैं चाहे उन्हें कितना भी बताओ कम ही लगता है। उन लोगों से दूरियां ही अच्छी हैं जिन्हें नजदीकियों की कोई कदर नहीं। मासूम लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है, वो चालाक लोगों पर भरोसा करके उन्हें अपना समझ लेते हैं। अगर जिंदगी में सुकून ढूंढ रहे हो ना तो मतलबी लोगों से दूर हो जाओ, सुकून अपने आप मिल जाएगा। आप जितने भी अच्छे होंगे आपका पाला उतना ही घटिया लोगों से पड़ेगा। जिस दिन आपको ये अनुभव होता है कि सब दौड़ व्यर्थ है, उस दिन आप उसी जगह खड़े होते हैं जहां परमात्मा होता है। एक घुटन सी होती है दिल में जब कोई दिल में तो रहता है मगर साथ नहीं। जो तुम्हें अनदेखा करे तुम उसे पहचानने से ही इनकार कर दो। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना, किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं लेकिन मेहनत करने वालों के कभी नहीं। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं तब तक वो तुम पर हावी होती रहेंगी। कुछ अजब मिजाज है वक्त का,
मेरे शहर में तुम ना हो तो गुजरता नहीं है, और साथ हो तो रुकता नहीं है। उधर उनकी चल रही है औरों से गुफ्तगू, इधर मेरा खुद से भी बोलचाल बंद है। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसे का और सूरत का, क्योंकि गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते वक्त नहीं लगता। जो इज्जत देगा उसे इज्जत मिलेगी, हम हैसियत देखकर सर नहीं झुकाते। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी न किसी तरह से पहुंच ही जाती है। कितनी झूठी होती है मोहब्बत की कसमें, देखो तुम भी जिंदा हो और मैं भी जिंदा हूं। एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ा जा सकता है, लेकिन उसके खालीपन को हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सकता है। आंखों से आंसू तभी आते हैं जब आप सच्चे हो पर आपको कोई समझने वाला ना हो। लोगों से सीखा है मैंने, ज्यादा मीठा बोलने वाले लोग अंदर से कड़वे और कड़वा बोलने वाले लोग अंदर से मीठे होते हैं। टेंशन एक ऐसा तोहफा है जो हमारे अपने ही हमें देते हैं। बहुत अजीब है इस दुनिया के लोग, उन्हें जितनी मोहब्बत दो वो उतना ही दर्द देते हैं। किसी की इतनी भी परवाह मत करो कि वो लापरवाह हो जाए। अगर फितरत हमारी सहने की न होती तो हिम्मत तुम्हारी कुछ कहने की न होती। आप किसी को आसानी से मत मिल जाना, नहीं तो लोग आपको सस्ता समझ लेंगे। वफादारी का असली मतलब उन लोगों से पूछो जो सालों से किसी को एक तरफा प्यार करते हैं। दहशत आंखों में होनी चाहिए, हथियार तो चौकीदार के पास भी होता है। मिठास रिश्तों में छुपी होनी चाहिए, बातों में चाशनी कोई भी घोल सकता है। जो हरगिज न छोड़ी जाए वो आदत बन गए हो तुम तो गुजर जाए करीब से, वो भी मुलाकात से कम नहीं। मोहब्बत में शर्त नहीं होती जनाब, ये वो गुनाह है जो बेशर्त किया जाता है। कौन क्यों गया, कैसे गया, ये जरूरी नहीं, क्या सिखा कर गया ये जरूरी होता है। उन लोगों से दूरियां ही अच्छी जिन्हें नजदीकियों की कोई कदर ही नहीं। मासूम लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है, वो चालाक लोगों पर भरोसा करके उन्हें अपना समझ लेते हैं। अच्छे विचार मेहमान के जैसे होते हैं, उन्हें आमंत्रण देकर मन में लाना पड़ता है, जबकि बुरे विचार बिन बुलाए मेहमान के जैसे होते हैं, उन्हें आमंत्रण की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। भाग्य और झूठ के साथ जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे उतना ही ज्यादा निराश होगे, लेकिन कर्म और सच पर जितना ज्यादा जोर दोगे वो उम्मीद से ज्यादा ही देगा। दिल टूटने पर भी हंसना, शायद जिंदा दिली इसी को कहते हैं। ठोकर लगने पर भी मंजिल तक भटकना, शायद तलाश इसी को कहते हैं। किसी को चाह कर भी पा न पाना, शायद चाहत इसी को कहते हैं। टूटे खंडर में दिया जलाना, शायद उम्मीद इसी को कहते हैं। गिर जाने पर भी फिर से खड़ा होना, शायद हिम्मत इसी को कहते हैं। और ये उम्मीद, हिम्मत, चाहत, तलाश, शायद जिंदगी इसी को कहते हैं। खुश रहना, बाकी सब तो चलता रहेगा, कोई अपना बिछड़ता रहेगा और कोई पराया मिलता रहेगा। आप जितने भी अच्छे होंगे आपका पाला उतना ही घटिया लोगों से पड़ेगा। अगर जिंदगी में सुकून ढूंढ रहे हो तो मतलबी लोगों से दूर हो जाओ,
सुकून अपने आप मिल जाएगा। मासूम लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है, वो चालाक लोगों पर भरोसा करके उन्हें अपना समझ लेते हैं। उन लोगों से दूरियां ही अच्छी हैं, जिन्हें नजदीकियों की कोई कदर नहीं। अगर दिल गलत जगह लग जाए तो एक ना एक दिन उसे टूटना ही पड़ता है। सफल इंसान वही है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता हो। हर पेड़ फल दे ये जरूरी तो नहीं, किसी की छांव भी बहुत सुकून देती है। वो लोग कभी नहीं रूठते जिन्हें मनाने वाला कोई नहीं होता। ये दुनिया है साहब, हमेशा नतीजे देखती है। यहाँ कोशिशों को कभी भी इनाम नहीं मिलता। समझदार होने के कई नुकसान भी हैं। दिल की हजारों ख्वाहिशें दिल में ही दब कर रह जाती हैं। मानो तो एक रूह का रिश्ता है हम सभी का, और न मानो तो कौन क्या लगता है किसी का। ये मुस्कुराहटें बड़े कमाल की होती हैं, जितना बताती हैं उससे ज्यादा छुपाती हैं। आजकल जरूरत कहाँ है हाथों में पत्थर उठाने की, तोड़ने वाले तो जुबा से ही दिल तोड़ दिया करते हैं। जरूरी नहीं है कि सब लोग हमें समझ पाए, तराजू वजन बता सकता है खासियत नहीं। जब किसी का हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। जिसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उनके पास रूठने और टूटने का वक्त ही नहीं होता। उड़ा देती है नींदे कुछ जिम्मेदारियां घर की, रातों को जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। हम करते वो हैं जो हम चाहते हैं, और होता वो है जो वो चाहता है। दरवाजा छोटा ही रहने दो अपने मकान का, जो झुक के आ गया समझो वही अपना है। पीठ पीछे बोलने वालों की कभी फिक्र मत करना, परछाई जितनी भी लंबी हो शरीर से जीत नहीं सकती। संभाल कर रखी गई चीज और गौर से सुनी बात जिंदगी में कभी न कभी काम जरूर आती है। करने वाले अपना काम आज के दिन करते हैं, और न करने वाले कल के दिन। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपने काम से काम रखना है। तकलीफें तो हजार हैं इस जहां में, लेकिन जब कोई अपना नजरअंदाज करे तो सहा नहीं जाता। दोस्ती जब किसी से की जाए तो दुश्मनों की भी राय ली जाए। कुछ लोग पिघल कर मोम की तरह रिश्ते निभाते हैं, और कुछ लोग आग बनकर उन्हीं को जलाते हैं। नहीं होते हो फिर भी होते हो तुम, न जाने क्यों हर वक्त महसूस होते हो तुम। सुरक्षित तो रखा पर हवा ने बुझा दिया, जिसने हंसाया उसी ने रुला दिया। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरा ख्याल है कि एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वो दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। दिशा दिखाने वाला सही मिल जाए तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का काम करता है। कटी हुई टहनियां कहाँ छांव देती हैं, हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमको रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। जरूरी नहीं हर गिफ्ट कोई चीज ही हो, प्यार परवाह इज्जत भी बहुत अच्छे गिफ्ट हैं। कभी किसी को देकर तो देखो। खुश रहने के लिए सबसे पहला काम ये करो कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, ये सोचना छोड़ दो। दवा जेब में नहीं,
परंतु शरीर में जाए तो असर होता है। वैसे ही अच्छे विचार मोबाइल में नहीं, हृदय में उतरे तो जीवन सफल होता है। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। जरूरी नहीं हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ मिले। कुछ अपनी मुस्कान के पीछे लाखों दर्द छुपाए रखते हैं। काम पड़ सकता है, आधे रिश्ते तो लोग इसी वजह से निभा रहे हैं। सपने तो कभी न कभी टूटते ही हैं, लेकिन उसके बाद जो हमें न टूटने दे बस वही अपने होते हैं। गिरना इसलिए भी जरूरी है, इससे पता चल जाता है कि हाथ थामने वाले कितने हैं और साथ छोड़ने वाले कितने हैं। छोटी सी होती है ये जिंदगी, इसे हंस कर जियो, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। इतना कड़वा मत बनो कि लोग थूक दें, और इतने मीठे भी मत बनो कि लोग तुम्हें निगल जाएं। रिश्तों के बगीचे में एक रिश्ता नीम के पेड़ जैसा भी रखना, जो सीख भले ही कड़वी देता हो लेकिन तकलीफ में मरहम भी बनता हो। जुबान और दिमाग तेज चलाने से रिश्तों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। जिंदगी में कुछ बनो या ना बनो, लेकिन बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा जरूर बनो। अंदर तक तोड़ देते हैं वो आंसू जो रात के अंधेरे में चुपचाप निकलते हैं। तमन्ना थी कि हर कोई टूट कर चाहे हमें, मगर हम खुद ही टूट गए किसी को चाहते चाहते। यदि कोई तुम्हें नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत से बाहर महंगी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। जिंदगी भी कितनी अजीब है, मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं, तन्हा रहो तो सवाल करते हैं। एक बात ये भी सच्ची है, जिनकी आप कदर करते हो उनका आप गुस्सा भी देख सकते हो। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। बोलना तो सब जानते हैं, पर कब और क्या बोलना है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। बुरा वक्त है, बदल जाएगा, लेकिन बदले हुए लोग हमेशा याद रहेंगे। तबीयत पूछने वाला इंसान ढूंढो, वसीयत और हैसियत पूछने वाले तो बहुत से मिल जाएंगे। एक वक्त के बाद हर कोई गैर हो जाता है। उम्र भर किसी को अपना समझना एक वहम है। कभी कभी कुदरत हमें जानबूझकर मुश्किल हालातों में डालती है, ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब देख सकें जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं।